नमस्कार, रोजाना किचन में आपका स्वागत है। मैं अनीता। आज लाल मिर्च का अचार दूसरे टाइप से कैसे बनता है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। 1 kg लाल मिर्च लिए हैं, इसे धोकर सुखा लिए हैं। मिर्च के ऊपर का भाग को काट कर हटा देंगे और 1 इंच की दूरी से काट लेंगे। उसी तरह से सभी को 1-1 इंच की दूरी पर काट करके सभी मिर्च को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से काट लेना है सभी को। सारा मिर्च कट के तैयार हो गया है। ये मसाला जो अचार में डालेंगे उसे आगे बताएंगे। एक कढ़ाई को गर्म कर लिए हैं, उसमें 3 टेबल स्पून जीरा भून लेंगे धीमे धीमे आंच में। जीरा भुन जाने के बाद उसमें अजवाइन देंगे 2 टेबल स्पून। अजवाइन भी 1 मिनट के बाद भुन जाएगा। अब कलौंजी या मंगरेला, उसे भी 1 मिनट तक भून लेंगे। सौंफ को भी डालकर उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 1/2 कप काला सरसों, इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये चटकने की जब आवाज़ आने लगे, और ये देखिए कलर भी अच्छी तरह से चेंज हो गया है, उसे हटा देंगे। दो टेबल स्पून मेथी, इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 1/2 कप इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। ये कलर चेंज हो गया है, अभी से भी हटा देंगे। 300 ग्राम सरसों का तेल, अच्छी तरह से इसे गर्म कर लेंगे। ये मसाला ठंडा हो जाएगा, इसे ग्राइंड कर लेंगे। और तेल गर्म हो गया, अब इसे आधा जब ठंडा हो जाए तब उसमें 1/2 टेबल स्पून हींग डालकर इसे ठंडा होने छोड़ देंगे। सभी मसाला, सभी एक बड़े बॉल में सभी लाल मिर्च को डाल देंगे। उसमें नमक 1/3 कप, 2 टेबल स्पून नमक, हल्दी 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1/4 कप, आमचूर और सारे मसाले जो भून करके पीसे हैं, ग्राइंड किए हैं, उसे भी अच्छे डाल देंगे। 4 टेबल स्पून विनीगर और तेल जो ठंडा हो गया है, इसे भी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चारों तरफ मिर्च के ऊपर एक कोटिंग हो जाना चाहिए, अच्छी तरह से मिल गया। ये देखिए, इसमें अभी तेल बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। ये अचार बनकर तैयार है। अब इसे एक सूखे जार में डाल लेंगे। जार को गर्म पानी से धो के धूप में सुखा लें, क्योंकि साल भर तक इसमें स्टोर करने से इसका लाइफ अच्छा रहता है। इसमें अभी तेल बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे सॉफ्ट होता है और नीचे चला जाता है और तेल ऊपर आ जाता है। तेल में डूबा हुआ अचार काफ़ी दिन तक टिकता है। एक बार इसको ज़रूर बना करके खाइए, आपको पसंद आएगा। और साल भर एंजॉय कीजिए, अच्छे कमेंट दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।